रहा है ब्रो, देखे 12 नंबर एलंकी सीआई लुआइल है कि ना है। अबे ये वाला एलंकी दे हिया रे होला। अबे एलंकी दे ना इसको, इसको दे। हां अरे को पाना दे 14 नंबर रिंग पाना दे रे। देखिए साथियों कितना बड़ा गाड़ी आ रहा है। अभी उधर से भी एक आ रहा है। ये है साथियों, देख रहे हैं ये जितना है ये सब आयरन कुधाया हुआ है JSW माइंस के अंदर में यहाँ पे। और ये माइंस से जितना भी आयरन होता है ये बाहर जाता है लोड होके। तो साथियों अभी आप लोगों को दिखाएंगे, मेरा पीछे में एक बहुत ज़बरदस्त वाला गाड़ी है जो कि JSW माइंस में चलता है अपना माल आयरन को शिफ्टिंग करने के लिए। तो देखिए ये वाला गाड़ी कितना बड़ा है और यही माल शिफ्टिंग कर रहा है अंदर में। कितना बड़ा बड़ा चाका है इसका। देख रहे हैं दोस्तों एक गाड़ी लोड करके निकल रहा है, एक खाली करके आ रहा है। कितना बड़ा बड़ा है गाड़ी सब। और इस तरीके से बहुत बड़ा बड़ा गाड़ी है JSW माइंस में काम करने के लिए। यहाँ पे बहुत सारा गाड़ी माल शिफ्टिंग करने के लिए लगा हुआ है इस तरीके से। आप लोग कभी देखे नहीं हैं, हम लोग भी कभी देखे नहीं थे। आज अपना गाड़ी यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ तो देखने के लिए मिला। देख रहे हैं कितना बड़ा चाका उसका है, टायर इतना बड़ा गाड़ी है कि टायर उतना बड़ा एक इंसान भी नहीं है। हाँ भैया, और कितना देर लगता है खोलने के लिए? 10 मिनट। चलो एक्शन मोड में लगे जाओ, धड़ाधड़ होगा। एक्शन मोड में तो ही है, मगर बोलता है यार कल गाड़ी।
का डबरो साठ गंदा होगा बोल के खोल दिया का। हाँ चलो ठीक है बाबू भाई, टाइम खत्म हो गए। मेरे पास आधा घंटा का टाइम है। आधा घंटा का टाइम है, चलो चलो जल्दी करो, भूख भी लगने लगा है बाबू भैया। 10 मिनट में हो गया। हो गया है, टोली लगाओ। 16-17 खाली मेरे को पाना देते हैं को। 16-17 हाँ रिंग पाना। उधर से नट बोल्ट सब हटाओ। जा रहे हो बोल्ट सब को झोला में बांध, एक को झोला में बांध, कपड़ा में एक को बांध एक ही जगह। बाल्टी में डाल रहा है। हाँ बाल्टी में डाले, अभी बाल्टी में रखने का। हाँ बाल्टी में रख बढ़िया से। ट्रॉली को साफ अब अंदर में है भाई, बोल तू देख लेना। चल चल ट्रॉली को साफ। अरे ड्रेन नट देखा, ड्रेन नट लगा तो देखे, बाल्टी में ड्रेन नट है जी। ड्रेन नट दे दीजिए। ड्रेन नट कौन सा ड्रेन नट? ये वाला है, ये वाला। ये अरे वो मोटका, हाँ वो वाला ड्रेन नट है। हाँ दे दीजिए। आकाश तो नीचे में आप भैया, गियर ऑयल को नया डालेंगे कि जी खराब हो गया है, सब टूट गया है। टूट गया बाबरी रहेगा, नया डालना पड़ेगा। हाँ। चलिए ठीक। तो ट्रॉली उठा रहा है कि तुमको ट्रॉली उठा रहा है? डोबरों को मिस्त्री बनने में कई साल लगेगा बाबू भैया। हो गया बाबू भैया, पहले हम अकेले गियर उतार के चढ़ाते थे। अकेले? हाँ। और आज का हुआ? क्या बोले, बुढ़ा गिए का। हाँ अकेले चढ़ा रहे थे जवानी में, अभी बुढ़ा गिए का, बुढ़ा तो नहीं हुए हैं। हाँ? अरे बोलते हैं ना बुढ़ापी में ज्यादा तेवर है ना, वही चीज नहीं कर पा रहे हैं आप। अपने पे थे ना भी साहब। हाँ झाड़ नहीं किसी को लगाते थे भाई, मतलब उस पर आज झुकेगा नहीं बोलते हैं ना कि। हाँ। आप तो फिर अब टेंशन का है। चल चल डबरो निकाल। बाराती आपका जाएंगे क्या बाबू भैया? इसी में रोक रहा है यार। वो कुछ ना है ओके। हटाओ ए
सुनिए खोल के ले जाते हैं। सुनिए ना, क्लच प्लेट ठीक है जी, हम लोग खोल के ले आते हैं ना, फिर से फिर देखेंगे लगाने टाइम कितना। कर देगा ना, एक ही बार में कर देंगे। दास को बोल तो खाली खलना है, खोलिए ना। 16 नंबर 17 नंबर गट्टी। तो अभी हम लोग लोड करेंगे और चलेंगे। पकड़ दो। अरे कहा गुंडा बनेगा, रोक आराम से। हो जाएगा ना लोडिंग, क्या हमको भी लगना पड़ेगा। अरे आइए आइए, उठा उधर से उठा के नीचे रख ना। तुम्हारे वो उठ नहीं रहा है। हमारे पास ना, हम लोग दूर है ना, इसीलिए नहीं उठ रहा। चलो रुक रुक, ना होगा यार। हो गया। और हाँ, और का गिरेगा थोड़ी ना। इधर इधर सुता दो भैया, ये साइड में सुता मास। हाय, बहुत भारी चीज है जी। बैटरी पकड़ना। हाँ, बैटरी भी लोड कर दो, नहीं तो फिर जिस दिन फिटिंग करेंगे उस दिन डाउन रहेगा। लो भाई पकड़ो। पेचकस डालिए, ये बोरा में डाल दीजिए। हाँ, उसे उठा दीजिए। बाल्टी ओ दो पाना, इसमें डाल दीजिए बाल्टी में। गाड़ी लोड हो गया, अब हम लोग चलेंगे। चलो डबरो बाबू। तो साथियों देख रहे हैं, ये है कितना सारा माल। अभी हम लोग इसी को माल, अरे इतना माल लोडिंग कर देता तो ना हम लोग का लाले लाल हो जाते हैं। हम लोग लोडिंग नहीं दे रहा है तो क्या किया जाए बाबू भैया, बताइए। इतना माल हम लोग को खाली दे देता, ठीक है। हाँ, दो हम लोग 8 दिन में धो के खत्म कर देते। हाँ, 8 दिन में बाबू भैया ना हो पाएगा। हो, अरे हम लोग का ड्राइवर 3-4 ट्रिप मारेगा। दे तो देखा ली, दे देखा ली ना है। हाँ। और टेंशन लेने का ना है। तो देता नहीं है, पार्सल से लोडिंग नहीं। टेंडर खत्म हो जाएगा, लोडिंग नहीं कर पाएगा। इधर देखिए बाबू भैया कितना माल है। हाँ, पानी निकल रहा है। नहीं, कहाँ पे वो वाला बड़ा गाड़ी को देखिए कहाँ पे लोडिंग दे रहा है।
चलिए चलिए चलिए, हम लोग को निकलना है, शिफ्ट चेंज हो जाएगा, नया नया स्टाफ आएगा, फिर हम लोग को किचन करेगा। रोज लोडिंग देता तो कितना बढ़िया रहता। हाँ बताइए, कितना माल है बताइए। कोड़ के तो पहाड़ का पूरा खाल कर दिया। ये सब में जो चल रहे हैं, हम लोग ये सब माले हैं। हाँ इसको भी काट के हटा है। रेजिंग करने वाला पानी डाल डाल के ये कर रहा है, धूला उड़ने ना दे रहा है। हाँ ये यहाँ पे डायरेक्ट डाल देगा, देखिए कैसे डाल रहा है। देख रुक जा मालिन थोड़ा, उसको वीडियो बनाते हैं। रुक जा रुक जा। चल तो साथियों, अभी हम लोग का हो गया फाइनल। JSW से हम लोग अपना गाड़ी का गियरबॉक्स लेके आए, अभी चलते हैं, खाना खाने का टाइम हो गया है, कोई अच्छा सा ढाबा देख के खाएंगे। कहा भैया? हाँ, नॉन रोटी खाएंगे। नॉन रोटी खाइएगा। हाँ। अच्छा ठीक है, जो मर्जी खा लीजिएगा। तो चलिए साथियों, आप चलते हैं, फिर हम लोग यहाँ से आगे जाएंगे। ठीक है तो भैया, खाना है ये साथियों। देखिए जब दीवार को मार के इतना फटा दिया, ये गाड़ी का हालत कहाँ हुआ है। देखिए गाड़ी का आप लोग दिखा रहे हैं किस तरीके से नुकसान हुआ है। ये सब ड्राइवर का गलती हुआ है साथियों, बोल दे रहे हैं। देखिए कितना नुकसान हुआ है। साथियों देख रहे हैं, ये है चूना घाटी का जाम, पूरा भीड़ लगा हुआ है, बड़ी जोर। यहाँ पे एक गाड़ी चढ़ नहीं पा रहा है, इसलिए जाम लगा हुआ है। देख रहे हैं क्या हुआ जी, चढ़ नहीं पा रहा है जी, बताइए। अशोक लेलैंड गाड़ी है ना। चल भाई दे थेबा लगाओ, नहीं तो छह चक्का बनाओ। पीछे भी वो गाड़ी तो सटा लेता है ना जी। फुल कट फुल कट, मेरे काटो यार। बताइए पीछे वाला गाड़ी भी सटा दिया है, थोड़ा बेक करके जाता ना तब जाके चढ़ता। और ये कंस्ट्रक्शन वाला भी तो जब गाढ़ा हो जा रहा है उसको बना नहीं रहा है। आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से अपना JSW आर्यन माइंस में, नारायण बसी माइंस में गाड़ी ब्रेकडाउन हुआ, तो हम लोग उसको रिपेयरिंग करके निकाले, अपना गियरबॉक्स को दोबारा फिटिंग करने के लिए जाएंगे। अगर मौका मिला तो उसका भी वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग को यही बताना चाहते हैं कि दोस्त कि JSW नारायण पोसी माइंस हो कि कोई भी माइंस में, ओडिशा का जितना भी आयरन माइंस है, आप अगर वहाँ पे जाते हैं काम करने के लिए सिलसिले में, अपना गाड़ी अंदर में ब्रेकडाउन हो गया, तो आपको अपना सेफ्टी का टोपी जैकेट जूता पहन लेना चाहिए। जैसे मेरे साथ में बाबू भाई गिए थे, उसको आप लोग देखे कि अपना
सेफ्टी का टोपी और जूता पहने थे, जूता तो नहीं पहने थे हम लोग, अपना जान पहचान था बोल के अंदर घुस गए थे। लेकिन आप लोग भी कोई भी मिस्त्री भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, कभी भी आप अगर उड़ीसा कोई भी माइंस में काम करने के लिए जा रहे हैं तो सेफ्टी जूता पहनना चाहिए, सेफ्टी जैकेट और टोपी पहनना चाहिए, वो अपना सेफ्टी है और ये तो माइंस वाला अपना लागू करता है। इसलिए दोस्तों सबको बोल देना चाहता हूँ कि आप लोग सेफ्टी जूता टोपी पहन के जाइए, अपना सेफ्टी भी रखिए। तो इस तरीके से आज हम आप लोग को दिखाए कि किससे हम लोग का गाड़ी ब्रेकडाउन हुआ था तो हम लोग उसको काम करके आए। तो आज का वीडियो में इतना ही दोस्तों, और वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से वीडियो को देखते रहिएगा, और इस वीडियो देख के आप लोगों को अगर अच्छा लगा है अभी तक देख रहे हैं तो ज़रूर एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ज़रूर। और इस तरीके से हम ओडिशा आयरन इंडस्ट्री में जितना भी माइंस है कभी भी जाने का मौका मिलेगा तो आपको हम वीडियो बना के दिखाएंगे, और बहुत सारे चीज़ें इस तरीके से हम वीडियो देंगे। अभी इस साल ख़त्म हो गया और ये इस साल का लास्ट वीडियो है, और दूसरा वीडियो हम लोग नहीं देंगे। तो नया साल में नया वीडियो आएगा, इसलिए नया साल तक इंतज़ार कीजिए। 2022 तो चला जा रहा है, तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, और वीडियो देख के आप लोग जरूर एक बार सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं।